सभी को नमस्कार। आज की क्लास आरपीएससी वीओ इंटरव्यू क्लास 6 बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है इंटरव्यू के लिए। जो लोग अभी वीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जनरल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है उसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर जीत सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर जीत सिंह जो सर्जरी के प्रोफेसर हैं, सभी आप लोग जानते होंगे उन्हें, आप सभी ने उनकी किताब जीत सिंह त्यागी पढ़ी हुई है, उनको मैं इस क्लास के लिए जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और सजेशन दिया कि इस तरीके की क्लास हमें बनानी चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक्स कहूँगी। और आज की क्लास सर के जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है उसी पर आधारित है, वो मेरे गुरु हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले उन्हें मैं रिगार्ड्स देना चाहूँगी। आज की क्लास जनरल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस, नाम से बिल्कुल बेसिक क्लास लगती है, पर हो सकता है आज की क्लास में हम बहुत बेसिक चीज़ों को पढ़ें और आपको ऐसा लगेगा शुरुआत में कि ये तो सब चीज़ें हमें आती हैं, लेकिन हमें इन सभी चीज़ों को जो हमें जनरल लगती है, जो हमें बहुत बेसिक सी लगती है, जब हमसे इंटरव्यू में पूछी जाती है, पैनल आपके सामने होता है, तब हम थोड़ा घबरा जाते हैं, हम जनरल सी चीज़ को, बेसिक सी चीज़ को भूल जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं सभी चीज़ों को रिवाइज़ कराऊंगी। ऐसा नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्लास है, ये बहुत सिंपल क्लास है। छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने चूज़ किया है जो मेरी दृष्टि में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं वही मोटिवेशन से, दो छोटे छोटे कोट्स, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कम्फर्ट जोन्स। आप ध्यान रखें, कभी भी जो महान चीज़ें हैं वो कम्फर्ट जोन से नहीं आती हैं, कम्फर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ता है। कम्फर्ट जोन का मतलब हमें मेहनत करनी पड़ती है, अपना जो कंफर्ट है, सोना है, कहीं भी घूमना है, ये सब चीज़ें हमें किसी न किसी टारगेट के लिए जो हमने सोच रखा है उसके अचीवमेंट के लिए हमें सब छोड़ना पड़ता है। तो कंफर्ट जोन को छोड़कर अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से और लगातार जो हम प्रयास करते हैं उससे ही हम महान चीज़ों को, ग्रेटर थिंग्स को अचीव कर सकते हैं। तो ग्रेटर थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कम्फर्ट जोन्स। द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। सक्सेस की बहुत बार मैं क्लास में बता चुकी हूँ, सक्सेस की हर क्लास में एंड में भी हम बात करते हैं, आज भी एंड में दोबारा बात करेंगे, क्या की है, क्या चाबी है सक्सेस की। तो इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल। अपने गोल पर, सिंगल जो गोल है उस पर आपको फोकस करना है, बाधाओं पर आपको फोकस नहीं करना है। कुछ लोगों की आदत होती है वो सिर्फ ऑब्स्टिकल्स को देखते हैं, अरे यार इसमें ये हो गया, उसने ये कर दिया, अब ये नहीं होगा, समय बहुत कम है, इतना कोर्स नहीं हो पाएगा, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ऑब्स्टिकल्स पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें हमारा सिंगल गोल, सिंगल टारगेट जो हमारा है आरपीएससी में वीओ के एग्जाम में सिलेक्ट होना, उस टारगेट को हमें ध्यान रखना होगा। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल। रास्ता लंबा है लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हमारे सिंगल गोल की तरफ हमें देखना है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नॉर्मल्स ऑफ एनिमल्स। नॉर्मल्स मीन्स, नॉर्मल का मतलब यहाँ वाइटल पैरामीटर्स से और इंडिकेटर्स से है। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको हमेशा याद रहा होगा, मेडिसिन की क्लास में भी आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, वाइवा देते टाइम भी आपने मेडिसिन में कई बार इसके आंसर्स दिए होंगे। तो क्या है नॉर्मल्स या वाइटल पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स, आप सभी जानते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। तो अब हमें क्या याद करना है, ये संभव नहीं है कि हम एग्जैक्टली सभी का टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन हमें याद रह जाएगा इंटरव्यू के टाइम, हम अचानक से बता देंगे। तो आपको कैटल का जरूर याद होना चाहिए, साथ में जैसे कुछ वेरिएशन होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक फाउल, तो पोल्ट्री, तो पोल्ट्री का हमें याद रखना है, कैटल का हमें याद रखना है, शीप और गोट में क्या डिफरेंस होता है टेम्परेचर के अंदर, क्या नहीं होता है, कुछ अनयूजुअल सा जो थोड़ा अनकॉमन है हमें उसको याद रखना होगा। तो जैसे कि मैं आपको बात बताती हूँ टेम्परेचर की, टेम्परेचर में आप देखेंगे ये फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों में आता है, तो मैंने इसके लिए एक अलग से स्लाइड और बनाई है। टेम्परेचर की पहले हम बात करते हैं, तो कैटल में आप देख सकते हैं अगर एवरेज दिया जाए तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 101.5 डिग्री फॉरेनहाइट, और रेंज की बात की जाए तो रेंज आपके सामने है 100.4 टू 102.8। तो इस तरीके से रेंज भी है और आपके पास जो टेम्परेचर का एवरेज होता है वो भी सभी में आप देख सकते हैं, कैटल, हॉर्स, शीप, गोट, पिग, डॉग। तो अभी आपको मैं बताऊंगी कि कम कहाँ होता है, ज़्यादा कहाँ होता है। अब हम बात करते हैं फाउल की, क्योंकि आप देख सकते हैं टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पोल्ट्री में, फाउल में। तो फाउल में जो होता है वो 105 से 160 जो है डिग्री फारेनहाइट हम कॉमनली मानते हैं, मीन्स 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड और अप टू 42
डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 109 भी कई बुक्स में दिया हुआ है। तो टेम्परेचर यहाँ अनयूजुअल किसका हुआ? पोल्ट्री का हुआ, आप यहाँ पे अच्छे से याद कर सकते हैं। साथ में सभी के जो एवरेज है वो भी आप देख सकते हैं, 38.5 38 हॉर्स में है, 39 शीप में है, गोट में 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, पिक के अंदर 39 है। लार्ज डॉग और स्मॉल, अब हम बात करेंगे लार्ज एनिमल की और स्मॉल एनिमल की, तो क्या डिफरेंस है? लार्ज में 37.5 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्मॉल में 38.5 टू 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि थोड़ा सा हाइयर रेंज की तरफ है। तो अभी हम देखेंगे कि स्मॉल एनिमल्स में क्यों टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। पल्स की बात करें, पल्स आप देख सकते हैं रेंज में बताया हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हर किताब में हो सकता है। तो अगर कैटल की बात करें तो पल्स रेट जो है कैटल की 60 to 80 पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट देखी जाए तो 10 to 30 पर मिनट। तो इस तरीके से आप सभी एनिमल्स का ध्यान रखें। हॉर्स में रेस्पिरेशन जो रेट है वो है 8 to 10 पर मिनट। इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे एनिमल छोटा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी इन तीनों वाइटल पैरामीटर्स के बारे में, द ग्रेटर द बल्क ऑफ बॉडी द लोअर द पल्स रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। तो जैसे जैसे बॉडी आप देख भी सकते हैं बड़ी होती जा रही है, उसका जो टेम्परेचर है वो लो होता जा रहा है, पल्स भी लो है और रेस्पिरेशन भी लो है। और यहाँ आप इस स्लाइड में इसको देख भी सकते हैं। तो आप डॉग से कंपेयर करें, देखिए लार्ज ब्रीड और स्मॉल में क्या है, तो टेम्परेचर में डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है। उसी तरीके से आप नीचे देखेंगे फीमेल प्रेग्नेंट यंग एनिमल्स हैव रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। तो फीमेल्स में प्रेग्नेंट में यंग एनिमल्स में थोड़ा सा हाइयर टेम्परेचर होता है। साथ में पल्स की बात करें, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है पल्स रेट। पल्स रेट क्या होगा स्मॉल एनिमल में, आप देख सकते हैं पल्स रेट जो है वो ज़्यादा है, आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है। डॉग में अगर स्मॉल ब्रीड्स की बात करें तो 70 से 90 पर मिनट, और अगर स्मॉल की बात करें तो 90 to 120 पर मिनट। देन मेल नॉन प्रेग्नेंट एंड ओल्ड एनिमल, तो टेम्परेचर देखा जाए तो क्या हो रहा है यहाँ, फीमेल प्रेग्नेंट यंग एनिमल में टेम्परेचर हाई है, पल्स रेट हाई है, और स्मॉल एनिमल में देखा जाए तो पल्स रेट हाई है। देन मेल नॉन प्रेग्नेंट एंड ओल्ड एनिमल, तो ये सिर्फ इंडिकेशंस हैं, फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं किसके कारण हैं वो भी आप देख सकते हैं। फीमेल में प्रेग्नेंट में यंग एनिमल्स में मेल नॉन प्रेग्नेंट और ओल्ड एनिमल से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पल्स जो है वो स्मॉल में ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। कैटल का आपको याद रखना ही रखना है, टेम्परेचर पोल्ट्री का जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कि स्मॉल एनिमल में जो है वो क्यों जो टेम्परेचर है इसका रिलेशन क्या है, वो है इसके सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया जो है इसका मोर होगा जो स्मॉल एनिमल्स होंगे, और मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम होने के कारण जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो हायर BMR जो होती है उसकी, उससे टेम्परेचर का रिलेशन होता है। और टेम्परेचर जो है और ज़्यादा होता है, और पल्स भी जो हम पल्स स्मॉल एनिमल्स है उसके अंदर भी ज़्यादा रहेगी। तो आई थिंक टेम्परेचर तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, टेम्परेचर पल्स और रेस्पिरेशन, लेकिन छोटा सा एक आइडिया कि किस तरीके से पोल्ट्री में ज़्यादा है और क्या डिफरेंस है, और एनिमल्स में लाइव स्टॉक्स में किस तरीके से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, छोटी ब्रीड में बड़े में और छोटे एनिमल में बड़े एनिमल के अंदर, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में फीमेल प्रेग्नेंट यंग एनिमल में जैसे मैंने कहा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पल्स रेट जो है स्मॉल एनिमल्स के अंदर ज़्यादा होगी। तो लगभग जो क्राइटेरिया है हमारा, द ग्रेटर द बल्क ऑफ बॉडी द लोअर द पल्स रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। कैटल का आपको अच्छे से याद रखना है, डॉग कैट का भी, क्योंकि स्मॉल एनिमल का बात आती है पेट एनिमल्स की आती है, तो डॉग का भी आपको याद रखना है। पोल्ट्री का थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, आपको मैंने बताया कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तो टेम्परेचर भी आपको याद रखना है। और इस तरीके से जो पल्स रेट है वो हमें ध्यान रखनी है कि लार्जर एनिमल होगा तो पल्स रेट कम होगी और स्मॉल एनिमल होगा तो पल्स रेट ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं साइट्स ऑफ रिकॉर्डिंग पल्स रेट, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये क्लास सिर्फ मेडिसिन की नहीं है, इस क्लास में सर्जरी भी इन्वॉल्व होगी, मेडिसिन भी होगी, कुछ कई हद तक गायनी भी होगी, फिजियोलॉजी होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, एनाटोमी होगी। तो पूरा जो हमारे पास वेटनरी का जो पूरा का पूरा सिलेबस कहना चाहिए पूरे 5 साल में जो हम लोग पढ़ते हैं उसका ये एक छोटा सा रूप है। तो हमें इन छोटी छोटी जनरल चीज़ों को नहीं भूलनी है, और ये जनरल क्वेश्चन आंसर्स ही जो इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। काउ एंड बफेलो कॉक्सीजियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, फेशियल आर्टरी, काफ में फीमोरल आर्टरी, डॉग एंड कैट में फीमोरल आर्टरी। तो आपको ध्यान रखना है शीप एंड गोट में फीमोरल आर्टरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ काउ बफेलो में कॉक्सीजियल, मैक्सिलरी, फेशियल आर्टरी पल्स रेट रिकॉर्डिंग के लिए साइट है, काफ में, डॉग कैट में, शीप एंड गोट में फीमोरल आर्टरी, हॉर्स टोंकी म्यूल में एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, मीडियन आर्टरी, फेशियल आर्टरी।
तो आज आप सभी को इन आर्टरीज के जो इमेजेस होती हैं उनको देखना है कि कहाँ पे ये किस तरीके से निकलती हैं। तो एक बार आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि टेल में कॉक्सीजल कहाँ पे है, मैक्सिलरी कहाँ है, फेशियल आर्टरी फेस के अंदर किधर दिखेगी हमें, फीमोरल कहाँ दिखेगी, तो इस तरीके से मीडियन आर्टरी हॉर्स में किस तरीके से दिखेगी। तो ये हमें एक बार डायग्राम से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब हम सिचुएशन देख लेंगे, जब हम डायग्राम देख लेंगे, साइट्स देख लेंगे, तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाएगा और हमें आंसर याद रहेगा। तो काऊ एंड बफेलो में कॉक्सिजल आर्टरी, मैक्सिलरी फेशियल आर्टरी, काफ में फीमोरल, डॉग एंड कैट एंड शीप एंड गोट में फीमोरल आर्टरी, हॉर्स के अंदर आप ध्यान रखें एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, मीडियन आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फेशियल आर्टरी। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने तरीके के होते हैं? कोस्टल थोरेसिक होता है जो डॉग एंड कैट में होता है, एब्डोमिनल कैटल, बफेलो, शीप एंड गोट। तो हमें ध्यान रखना है रेस्पिरेशन एब्डोमिनल किस में होता है? कैटल, बफेलो, शीप एंड गोट में। थोरेसिक कोस्टल जिसको हम कहते हैं वो होता है डॉग एंड कैट के अंदर, और कॉस्टो एब्डोमिनल जो होता है वो होता है हॉर्स, म्यूल, डंकी एंड एस। तो हॉर्स फैमिली जो है उसमें कॉस्टो एब्डोमिनल होगा, एब्डोमिनल क्योंकि प्रोमिनेंट है एब्डोमन, तो यहाँ पर ये एब्डोमिनल किस में है? कैटल, बफेलो, शीप एंड गोट में, और थोरेसिक डॉग एंड कैट में जिसको हम कोस्टल कहते हैं। साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, जब भी हम बेसिक वीओ का इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर फील्ड में हम जाते हैं वीओ बनने के बाद, तो भी हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत छोटे से क्लिनिकल आस्पेक्ट है, अगर लेकिन हम थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो एनिमल की लाइफ को भी के लिए भी फेटल हो सकता है। तो हमें अच्छे से इनके जो साइट्स हैं उनको देखना पड़ेगा, कैसे टेम्परेचर लिया जाता है, कैसे पल्स ली जाती है, ब्लड कलेक्शन की साइट क्या है। तो हम साइट की बात करते हैं, कैटल, बफेलो, शीप एंड गोट, जुगलर वेन एंड ईयर वेन। आप सभी की जानी पहचानी जुगलर वेन, आप सभी जानते हैं जुगलर वेन, हॉर्स में जुगलर वेन, डॉग सिफेलिक वेन, सिफेनस वेन, रिकरेंट टार्सल वेन जिसको हम लेटरल सिफेनस भी कहते हैं। तो सिफेलिक और सिफेनस वेन दोनों में ब्लड जो है डॉग के अंदर वो लिया जा सकता है। पिग में ईयर वेन और एंटीरियर वीना कावा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीरियर वीना कावा, कि एंटीरियर वीना कावा जो होती है वो हेड और फोर लिम्स को सप्लाई करती है। तो ईयर वेन एंड एंटीरियर वीना कावा पिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीरियर वीना कावा। पोल्ट्री में आप सभी जानते हैं विंग वेन। तो हम जब हमारी रिसर्च करते हैं तब भी हमें एनिमल्स के सैंपल की ज़रूरत होती है, तो हमें किस तरीके से ब्लड कलेक्ट करना चाहिए, क्या साइट होती है अप्रोप्रिएट, तो इस तरीके की ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमें याद रखना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कैटल, बफेलो, शीप एंड गोट, जुगलर वेन, ईयर वेन, हॉर्स में जुगलर वेन, डॉग में सिफेलिक सिफेनस वेन, रिकरेंट टार्सल वेन जो लेटरल सिफेनस कहलाती है उससे लिया जाता है, पिग में एंटीरियर वीना कावा, ईयर वेन एंड पोल्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट विंग वेन। CSF कलेक्शन कहाँ से होता है? CSF कलेक्शन होता क्या है? CSF कलेक्शन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो आप सभी जानते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। तो इसका जो हमें किस तरीके से कलेक्शन करना होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल फ्लूइड मैंने कहा जहाँ जो फ्लूइड होता है उसको हम CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और इसका साइट क्या है? तो कैटल एंड बफेलो में ध्यान रखें लंबोसैक्रल और फर्स्ट सेकेंड कॉक्सीजियल रीजन, हॉर्स में सब ऑक्सीपिटल और लंबोसैक्रल रीजन, डॉग बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टर्नल पंचर और सेरिब्रो मेड्यूलरी सिस्टर्न साइट, इसको सेरेबेलो मेड्यूलरी सिस्टर्न साइट कहते हैं। और ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है ये आप देख सकते हैं ये इसी का है, सिस्टर्नल पंचर किया जा रहा है और वहाँ से CSF लिया जा रहा है। शीप एंड गोट सब ऑक्सीपिटल और लंबो सेक्रल रीजन, तो आप देख सकते हैं शीप एंड गोट कैटल बफेलो में लंबो सेक्रल से लिया जा सकता है, हॉर्स में भी लिया जा सकता है, सब ऑक्सीपिटल भी यूज़ किया जा सकता है, डॉग के अंदर इंपॉर्टेंट है सिस्टर्नल पंचर और सेरिबेलो मेड्यूलरी सिस्टर्न साइट, जिसको हम सेरिबेलो मेड्यूलरी सिस्टर्न साइट कहते हैं, ये सिस्टर्नल पंचर कहलाता है, आप डायग्राम में भी इसे देख सकते हैं। और ये फ्लूड लिया जा रहा है, CSF का कलेक्शन हो रहा है डॉग के अंदर, और साइट का नाम है सेरिब्रो मेड्यूलरी सिस्टर्न। दूसरा टॉपिक जो है जो रिलेटेड है हार्ट से, अब हम बात करेंगे व्हेन यू लिसन हार्ट साउंड विद स्टेथोस्कोप, क्या होता है, क्या सुनते हैं आप जब आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं, व्हाट इज लव एंड डव साउंड, क्या होती है लव एंड डव साउंड। नाम तो आपने सुना है और आपने फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, PMT के दौरान, नीट के दौरान भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमें इसे फिर से रिवाइज़ करना होगा। ये लगता बहुत आसान है, हमें याद है, लेकिन हमें एक बार इसे रिवाइज़ करना होगा। लव फर्स्ट हार्ट साउंड S1 साउंड, सेकंड हार्ट साउंड डब होती है, लाउडर होती है लव, लो पिस्ट बट लॉन्गर ड्यूरेशन, डब शॉर्टर ड्यूरेशन विद हाई पिस्ट, आपको ध्यान रखना है ड्यूरेशन जो है डब का शॉर्टर रहेगा।
सिस्टोलिक साउंड है, लब जो है वो सिस्टोलिक साउंड है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टार्टिंग होती है तो होती है ये साउंड. और क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इन टू द एट्रिया. तो अब हमें इसको समझने के लिए एक हार्ट का डायग्राम देखना होगा, और आप लोग इसको अच्छे से बेहतर समझ पाएंगे. आज जब ये क्लास ओवर हो जाए तब आपको सारी आर्टरीज, हार्ट की स्ट्रक्चर, जो जो पॉइंट मैंने आज लिए हैं उनके डायग्राम से आपको ये सब समझना होगा, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए परसिस्ट करेगा. तो ये कैसे होता है लब का? मैंने जैसे कहा सिस्टोलिक साउंड है, वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और एट्रियो वेंट्रिकुलर एवी वॉल्स जिसको कहते हैं वो जो है वो क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे. अक्कर ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, क्लोजर ऑफ मिट्रल बाइकस्पिड जिसको कहते हैं, मिट्रल वॉल्व होता है, एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स. तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स जो होते हैं उनके कारण जो है, उनके क्लोजर के कारण क्या साउंड आती है, उन क्लोजर के कारण साउंड आती है लब की. तो सेकेंड हार्ट साउंड है शॉर्टर ड्यूरेशन विद हाई पिच, वो है डब. और इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप देखेंगे डे डायस्टोलिक साउंड है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, जब सिस्टोल खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इन टू द वेंट्रिकल्स. जो सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. क्यों होते हैं क्लोज? क्योंकि उनको रोकना होता है ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इन टू द वेंट्रिकल्स. अक्कर ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व, जिनको SL वॉल्व भी कहते हैं. तो आप देख सकते हैं कि क्या रीजन्स हैं, दोनों के रीजन क्या है. पहले का रीजन है AV वॉल्व बंद हो जाते हैं, और दूसरे का रीजन है एरोटिक एंड पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व बंद हो जाते हैं. तो लब एंड डब, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लब और डब का बताया गया है. तो देख सकते हैं फर्स्ट में व्हेन एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज हैं, तो मैंने आपको जैसे कहा डाइकस्पिड और मेंट्रल या बाइकस्पिड वॉल, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल होंगे, और लेफ्ट साइड में जो है वो मेंट्रल वाला या बाइकस्पिड वॉल जिसको कह सकते हैं. और ये फर्स्ट हार्ट साउंड का रीजन होता है जिसको लब कहते हैं. ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा फर्स्ट में 0.10 टू 0.17 सेकंड, और सेकंड के अंदर 0.10 टू 0.14 सेकंड्स. अगर ECG में देखा जाए तो वो R वेव होता है, और अगर सेकंड के अंदर देखा जाए तो T वेव ऑफ ECG. डब आप देख सकते हैं नीचे, वो सेमीलूनर वॉल्व क्लोज हो जाता है तब डब की साउंड आती है. इट मेनली प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग सडन क्लोजर ऑफ द सेमीलूनर वॉल्व, एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल. और आप ऊपर देख सकते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर सडन क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, डेट इज कौन कौन से हैं वो, मिंट्रल और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल. अगेन आप डायग्राम से यहाँ समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा AV वॉल्व ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड है. ट्राइकस्पिड कौन सी साइड है? ट्राइकस्पिड जो है वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में मिंट्रल है. अगर हम बात करें SL वॉल्स की, सेमीलूनर वॉल्स की, तो पल्मोनरी और एरोटिक, तो पल्मोनरी जो है वो है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में जो है वो है एरोटिक सेमीलूनर वॉल्व. तो हमें इनको याद रखना है. थोड़ा सा एक बार हार्ट का डायग्राम देख जाएं, कार्डियक साइकिल को देख जाएं. आप यहाँ अगेन देख सकते हैं कि ब्लड फ्लोज इनटू हार्ट फ्रॉम वेन्स, AV वॉल्व जो हैं वो किस तरीके से डायस्टॉल यानी कि डब में क्या हो रहा है, सेमीलूनर वॉल्व क्लोज हो रहे हैं, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर आप देख सकते हैं कि AV वॉल्व क्लोज हो रहे हैं. हार्ट साउंड जो वन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और साथ में लब की वॉइस आती है. आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी है और सेकंड हार्ट साउंड कौन सी है, लब डब में लब क्या होता है और डब क्या होता है. तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको. लब जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन, क्लोजर ऑफ मिंट्रल एंड बाइकस्पिड वॉल्स जो कि AV वॉल्स होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड. एंड डब जो है वो क्यों होता है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, एंड ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और सेमीलूनर वाल्व जो है वो अचानक से क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. कौन कौन से सेमीलूनर वॉल्व्स हैं? एरोटिक एंड पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व्स. डायस्टोल में डब देख सकते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर लब. नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एनाटॉमिकली सर्जिकल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्जरीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो क्या है, व्हाट इज, कई बार हमें ये वाइवा में भी पूछा गया है, एनाटॉमी हो चाहे सर्जरी हो, इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है. एग्जाम में इसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इसको एक बार देखना होगा क्या होता है ये. व्हाट इज सिग्मोइड फ्लेक्सर? क्या है सिग्मोइड फ्लेक्सर? सिग्मोइड फ्लेक्सर इज एन एस शेप्ड और सिग्मोइड शेप कर्व्ड इन द बॉडी ऑफ नॉन इरेक्ट पेनिस.
मैनिस में होता है, ये नॉन इरेक्ट पेनिस में सिग्मॉइड शेप्ड कर्व्ड है। इट इज़ एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स अ मीन बाय विच द पेनिस इज हेल्ड इनसाइड द शीथ एक्सेप्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ सर्विस। जब पेनिस क्या होता है, इसके अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड्स अ मीन बाय विच द पेनिस इज हेल्ड इनसाइड। तो ध्यान आपको ये रखना है इसके क्या क्या चेंजेस हैं, एनाटॉमिकल डिफरेंस क्या क्या है कैटल में और शीप एंड गोट जो मेल्स हैं उनके अंदर। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बोर है और कैमल बुल है, बोर और कैमल बुल है वो प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर पाए जाते हैं, बुल में, रैम में और बक में पोस्ट स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि पोस्ट स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर किस में होते हैं, बुल में, रैम में एंड बक में। इट मीन्स कैटल बुल हो गया, कैटल बुल एंड बफेलो बुल। साथ में प्री स्क्रोटल की बात करें तो बोर में और कैमल बुल में, बोर मतलब पिक के मेल में, और आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट स्क्रोटल कैटल के अंदर, बफेलो शीप एंड गोट का जो मेल्स हैं उनके अंदर पोस्ट स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिग्मोइड फ्लेक्सर इज एब्सेंट इन द पेनिस ऑफ, किससे मिलता है ये, पेनिस से मिलता है ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉग एंड टॉम कैट, ये एब्सेंट होता है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये एब्सेंट होता है। अब यहाँ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि बुल, रैम, बक, बोर, कैमल, इनका फाइब्रोलास्टिक होता है जो पेनिस है, और जो ऑस्ट्रेलियन वगैरह होते हैं इनका मस्कुलर कैवर्नस होता है जो कि सॉफ्ट और कंप्रेसिबल होता है। तो ये डिफरेंस भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से एक ही पॉइंट याद रखना है, किसमें तो ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है ऑस्ट्रेलियन डॉग एंड टॉम कैट में, पोस्ट स्क्रोटल होता है बुल, बफेलो बुल, रैम एंड बक में, और प्री स्क्रोटल होता है बोर एंड कैमल बुल में। आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं, सिग्मोइड फ्लेक्सर यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कर्सर से आपको दिखाती हूँ, ये सिग्मोइड फ्लेक्सर है, आप देख सकते हैं एस शेप्ड है, बुल के अंदर है ये दिखाया हुआ। तो ध्यान रखना है आपको प्री स्क्रोटल किस में है, बोर एंड कैमल बुल में, पोस्ट स्क्रोटल बुल, रैम, बक में, और एब्सेंट होता है ऑस्ट्रेलियन डॉग एंड टॉम कैट में। अब हम बात करते हैं विसरल और स्प्लेटनिक बोन की, क्या होती है ये। एनी बोन फॉर्मेशन इन एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन के अंदर हमें जो बोन मिलती है उसको हम विसरल बोन कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है नाम इनके, और ये किन किन एनिमल्स में मिलती है, किन किन लाइव स्टॉक के अंदर ये मिलती है। और इसको एक चीज़ आप और ध्यान रखें, इसका नाम हिट्रोट्रॉपिक बोन्स भी है, कई जगह आप इसको हिट्रोट्रॉपिक बोन्स के नाम से भी जानेंगे, विसरल बोन्स, स्प्लेटनिंग बोन्स के नाम से। तो ये नाम भी हमें नहीं भूलना है। पहली ऑस पेनिस, पेनिस ऑफ डॉग, रोडेंट्स एंड बैट्स में मिलेगी। ऑस कॉर्डिस, हार्ट ऑफ रूमिनेंट्स, ऑस कॉर्डिस। ऑस रोस्ट्री, स्नाउट ऑफ पिक्स। ऑस फ्रेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम ऑफ कैमल। ऑस ऑप्टिकस, आई ऑफ फाउल और बर्ड्स। तो ऑस पेनिस, पेनिस ऑफ डॉग्स, रोडेंट्स एंड बैट्स में। ऑस कॉर्डिस, हार्ट ऑफ रूमिनेंट्स। ऑस रोस्ट्री, स्नाउट ऑफ पिक। ऑस फ्रेनिक, डायफ्राम ऑफ कैमल। ऑस ऑप्टिकस, आई ऑफ फाउल और बर्ड्स। जैसे मैंने कहा ऑस रोस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द एक्सटर्नल लेयर्स में मिलती है, स्वाइन के अंदर। कॉर्डिस हम बात करें तो बोविडी और ओविडी दोनों, बोवाइंस में और शीप में आपको मिलेगा। ऑस कॉर्डिस, अराउंड द ओरिजिन ऑफ द एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी एट द बेस ऑफ द हार्ट। ऑस पेनिस, विद इन द पेनिस, ऑल मेंबर्स ऑफ डॉग फैमिली, डॉग के अंदर मैंने बताया था अभी आपको, रोडेंट्स में एंड पेट्स में। तो हमें ये सभी ध्यान रखना है, जो विसरल बोन्स हैं उनके नाम किस स्पीशीज में होती है ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन एंड दूसरा है ल्यूगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन। हम यूज़ तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और इनको तो हमने सर्जरी के अंदर साधारण तौर पे यूज़ किया है, हमारे घरों में भी हमने इसको यूज़ किया है, लेकिन हमें डिफरेंस नहीं मालूम होता और हमें ये नहीं पता होता कि टिंचर आयोडीन कैसे बनानी है और ल्यूगोल्स आयोडीन कैसे बनानी है। तो हमें इसके लिए डिफरेंस जानना होगा, क्या होता है टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन। वीक आयोडीन सॉल्यूशन इज एन एंटीसेप्टिक फॉर यूज़ ऑन माइनर वुंड्स, डू नॉट यूज़ ऑन लार्ज ओपन वुंड्स। हमें यूज़ नहीं करना है लार्ज ओपन वुंड्स में, बाकी हम एडल्ट्स में यूज़ करते हैं, बच्चों में भी, चिल्ड्रन उसमें भी कर सकते हैं। बट वीक ये आयोडीन सॉल्यूशन है,
हमें इसको यूज़ नहीं करना है लार्ज ओपन वुंड्स पे, माइनर वुंड्स पे हम इसे एज एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन टिंचर इज अ डार्क ब्राउन लिक्विड विद स्मेल्स ऑफ एल्कोहल। क्यों एल्कोहल की स्मेल देती है, तो हमें इसे कंपोजिशन देखना पड़ेगा। तो टिंचर आयोडीन इज एन एल्कोहलिक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ आयोडीन, 24 ग्राम ऑफ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड इन 500 ml ऑफ एल्कोहल एंड देन एडिंग प्यूरिफाइड वाटर टू मेक द प्रोडक्ट मेजर 1000 ml ऑफ 1 लीटर। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आप दूसरा कंपोजिशन भी देख सकते हैं, लगभग सिमिलर ही है। आयोडीन 2.5% वेट अपॉन वॉल्यूम, 2-7% एलिमेंटल आयोडीन होती है इसके अंदर, ये कॉमन है। पोटेशियम आयोडीन आयोडाइड जो है वो 2.5% वेट अपॉन वॉल्यूम एंड प्यूरिफाइड वाटर एंड इथेनॉल को ध्यान रखें वो एक कंपोजिशन में 89% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम वी अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, इसी के कारण जो है इसकी स्मेल जो आ रही है वो एल्कोहलिक है। और कहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक में यूज़ कर रहे हैं, माइनर वुंड्स के अंदर कर रहे हैं। तो ये कंपोजिशन हमें नहीं बोलना है कि 2-7% एलिमेंटल आयोडीन इसके अंदर होती है, साथ में एथेनॉल होता है लगभग 89%। अब हम बात करते हैं लिगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन की, इट इज़ आल्सो नोन एज एक्वस आयोडीन। आप देख सकते हैं ये तो है आयोडीन सॉल्यूशन का वीक आयोडीन सॉल्यूशन, और ये है आपका स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। क्यों है स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, अभी हम बात करेंगे। यहाँ अल्कोहल नहीं है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें अल्कोहल होता है और इसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो लिगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन क्रिस्टल्स पाउडर्ड एलिमेंट्री जो होते हैं आयोडीन, वो होता है 5 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 10 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 100 ml। अगर 100 ml की बात करें तो आप देख सकते हैं 5% या 5% जो है आयोडीन क्रिस्टल है, 10% पोटेशियम आयोडाइड है और जो है 100 ml डिस्टिल्ड वाटर है। तो यहाँ अल्कोहल नहीं है और आप टिंचर आयोडीन में देख सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो मौजूद होता है लगभग 89%। यूज़ ऑफ लिगोल्स आयोडीन क्या यूज़ हो सकते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ में डिसइंफेक्टेंट के रूप में स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, फुट अल्सर्स में, डेंटल प्रोसीजर्स में। तो ये लिगोल्स आयोडीन का यूजेस हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो आप इसे ध्यान रखें कि इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस होता है कंपोजिशन के साथ साथ, परसेंटेज में तो फ़र्क है ही, साथ में फ़र्क होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर अल्कोहल नहीं होता है। आप देख सकते हैं इथेनॉल 89% लिया हुआ है, बाकी एलिमेंटल आयोडीन जो है 2-7% होती है टिंचर आयोडीन के अंदर, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड होता है लगभग, देख सकते हैं आप एक कंपोजिशन के अंदर 2.5 दोनों लिए हुए हैं, एथेनॉल 89% है और प्यूरिफाइड वाटर होता है। इसको कभी लार्ज ओपन वुंड्स पे नहीं यूज़ करना चाहिए, माइनर वुंड्स में एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। लिगोल्स आयोडीन के जो यूजेस हैं वो है एज अ डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, फुट अल्सर्स में, डेंटल प्रोसीजर्स में यूज़ आ सकता है और ग्रेव्स डिजीज में यूज़ आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कोरोना के जो पीरियड चल रहा है उसके अंदर हम बार बार सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, स्टरलाइजेशन की बात करते हैं, डिसइंफेक्शन की बात करते हैं कि हम कहते हैं भाई सैनिटाइज़ कर रहे हैं हम, हमें क्लीनिंग करनी चाहिए, सैनिटाइज़ करना चाहिए, डिसइंफेक्शन करना चाहिए। तो इनमें डिफरेंस बहुत माइन्यूट है और ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है और जनरली हमें आना भी चाहिए, क्योंकि डे टू डे यूज़ में हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंस होता है स्टरलाइजेशन में, सैनिटाइजेशन में एंड डिसइंफेक्शन में एंड क्लीनिंग के अंदर। तो मैं वन बाई वन करके आपको ये चारों पाँचों के डिफरेंस बताऊँगी। सबसे पहला है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन आप सभी को मालूम है, स्टरलाइज करना टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक एंड देयर स्पोर्स। तो पूरा डिस्ट्रक्ट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सभी का डिस्ट्रक्शन करना है, किल करना है। लेकिन डिसइंफेक्शन में क्या है, ओनली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड। तो पहली बात, स्पोर्स नहीं है डिसइंफेक्शन में, आप ध्यान रखें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड होंगे डिसइंफेक्शन के अंदर। स्टरलाइजेशन की बात करते हैं, यूजेस केमिकल हीट, हाई प्रेशर, फिल्ट्रेशन एंड इरिडेशन। स्टीम आपको मालूम है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इथिलीन ऑक्साइड गैस, केमिकल्स और ओजोन, ऑटोक्लेव इसका एग्जाम्पल है। डिसइंफेक्शन की बात करें, यूजेस डिटर्जेंट्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, अल्कोहल, ब्लीच, हैलोजन्स लाइक क्लोरीन, फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट्स, हैवी मेटल्स, हीटिंग एंड पास्टराइजेशन। स्टरलाइजेशन में डिस्ट्रॉयज बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स को भी किल करता है ये। डिसइंफेक्शन के अंदर ओनली द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। स्टरलाइजेशन के अंदर स्टरलाइजेशन ऑफ फूड, मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप हमेशा से जब भी यूज़ करते हैं, रिमिनोटोमी करें या कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन करें, तो हमेशा से इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो स्टरलाइज्ड होंगे और करने भी चाहिए। देन डिसइंफेक्शन मोस्टली यूज टू डीकंटामिनेट सर्फेसिस एंड एयर। तो ये किसके काम आता है, डिसइंफेक्शन डीकंटामिनेट करने के कारण काम आता है सर्फेसिस को एंड एयर को। तो मोस्टली यूज टू डीकंटामिनेट सर्फेसिस डिसइंफेक्शन। और सर्जिकल जो स्टरलाइजेशन है वो कहाँ काम आता है,
वो मेडिसिन के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के अंदर काम में आता है। तीन प्रोसेस होते हैं, क्लीनिंग, सैनिटाइजिंग एंड डिसइंफेक्टिंग। पहला स्टेप होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग विजिबल डर्ट, डेब्रिस, इम्प्योरिटीज, जर्म्स फ्रॉम सर्फेसिस। ये रिमूव कर देता है जर्म्स को, डर्ट को कर देता है, डस्ट को कर देता है, एलर्जेंस को कर देता है। फर्स्ट स्टेप होता है सैनिटाइजिंग। जैसे मैंने कहा, सैनिटाइजिंग क्या है? अभी हमने स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में डिफरेंस देखा था, अब हम देखते हैं सैनिटाइजिंग और डिसइंफेक्टिंग में। तो क्या डिफरेंस है? सैनिटाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और लोअरिंग द नंबर ऑफ जर्म्स ऑन ऑब्जेक्ट और सरफेस टू अ सेफ लेवल। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ तक? सेफ लेवल तक जर्म्स को और ऑब्जेक्ट्स को जो है, ऑब्जेक्ट्स पर जर्म्स जो होते हैं उनको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। साथ में डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन जैसे मैंने अभी कहा, किल कर देता है पैथोजेंस को। अभी हमने यहाँ देखा था कि पैथोजेंस को किल कर देता है। तो डिसइंफेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग पैथोजेंस एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। स्पोर्स को नहीं करेगा, लेकिन स्टरलाइजेशन में आपने देखा था अभी स्पोर्स को भी किल कर देता है। तो आपको यहाँ डिफरेंस किस में करना है? सैनिटाइजिंग में और डिसइंफेक्टिंग में। तो सैनिटाइजिंग से क्या होगा? रिड्यूस हो जाएंगे नंबर जर्म्स के। लेकिन डिसइंफेक्शन से क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट जब हम यूज़ करेंगे तो जर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे। देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। ये सेकेंड स्टेप है सैनिटाइजिंग, और डिसइंफेक्शन जो डिसइंफेक्टिंग है वो लास्ट स्टेप है, आखिरी स्टेप है। अब हम देखते हैं स्टरलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन में डिफरेंस क्या है। तो स्टरलाइजेशन मैंने जैसे कहा, द प्रोसेस इन विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइदर किल्ड और इनएक्टिवेटेड, चाहे वो पैथोजेनिक हो चाहे नॉन पैथोजेनिक हो, स्पोर्स हों, सब किल हो जाते हैं। सैनिटाइजिंग में मैंने कहा रिड्यूस हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, रिड्यूस हो जाते हैं एक सेफ लेवल तक, दे आर नो लॉन्गर हार्मफुल। वायरसेज एंड स्पोर्स स्टरलाइजेशन में अगर बात करें तो किल्ड हो जाते हैं, इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, और इसके अंदर सैनिटाइजेशन में आर नॉट अफेक्टेड, नहीं होते हैं। तो इससे नहीं होगा सैनिटाइजेशन से। देन मैथड्स में स्टीम, इथिलीन ऑक्साइड गैस, ओजोन एंड केमिकल्स। और अगर सैनिटाइजेशन की बात करें, केमिकल्स कंटेनिंग सोडियम डोडी साइकिल बेंजीन, सल्फोनेट्स, ऑर्गेनिक क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड आपका जाना पहचाना नाम, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये सैनिटाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। इक्विपमेंट, सरफेस और इक्विपमेंट क्या है? स्टरलाइजेशन मैंने जैसे कहा मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट में किया जाता है। सैनिटाइजेशन किस पे किया जाता है? फूड सरफेस एंड इक्विपमेंट पे। रीज़न क्या है इसके यूज़ का? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हॉस्पिटल पेशेंट्स। और सैनिटाइजेशन आप देखें तो रिड्यूस द चांस ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। तो डिफरेंस अपनी अपनी तरीके से कई किताबों में नेट पे अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंस हमने देखा स्टरलाइजेशन में, जिसमें कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो पैथोजेनिक हो, नॉन पैथोजेनिक हो, स्पोर्ट्स का। लेकिन इसमें डिसइंफेक्शन में स्पोर्ट्स का नहीं होता है। और ये स्टरलाइजेशन जो है मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स के लिए काम में आता है। डिसइंफेक्शन आप देख सकते हैं डीकंटामिनेशन ऑफ सर्फेसिस के लिए काम में आता है। और इस तरीके से आपने डिफरेंस दोनों में देखा। एक डिफरेंस है सैनिटाइजिंग और डिसइंफेक्टिंग में भी, वो ये ध्यान रखना है कि फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसिस के लिए सैनिटाइजिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि फूड जो बॉर्न डिजीजेज हैं उनको हम, उसके लिए भी ये यूज़ में आता है सैनिटाइजिंग। एंड डिसइंफेक्टिंग जो है, जो किल कर देता है बैक्टीरियाज को, वायरस को, जो है वो नॉन फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसिस के अंदर लाइक डोर नॉब्स है, डिस्प्ले केसेज हैं, उनके लिए यूज़ में होता है। वेरीफाइड डेट द केमिकल इज EPA अप्रूव्ड। तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है EPA, उससे ये अप्रूव्ड होना चाहिए। और ये अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, परसेंटेज इनका अलग अलग होता है, कैसे सैनिटाइजिंग के लिए यूज़ होगा, कैसे डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज़ होगा। तो ये हमें इसके स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे ये EPA से अप्रूव्ड होना चाहिए। क्लीन डर्ट एंड ग्रीम ऑफ द सर्फेस विद सोप, वेयर ग्लोव्स एंड अप्लाई डिसइंफेक्ट अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, और वॉश हैंड्स आफ्टर यूज़। तो ये अलग अलग सभी को यूज़ करने के तरीके दिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ माइन्यूट सा डिफरेंट जो डिफरेंस हमने देखा स्टरलाइजेशन में, डिसइंफेक्शन में, सैनिटाइजिंग में, और ये तीन स्टेप क्लीनिंग, सैनिटाइजिंग एंड डिसइंफेक्टिंग। तो आई थिंक छोटे छोटे से जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टरलाइजेशन जो है वो टोटल डिस्ट्रक्शन है, जिससे पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक स्पोर्ट्स का। डिसइंफेक्शन में जो स्पोर्ट्स हैं वो किल नहीं होते हैं, और जो सैनिटाइजिंग होता है वो उसके नंबर को रिड्यूस कर देता है, और सैनिटाइजेशन में जो है वो वायरस और स्पोर्ट्स का कुछ भी इनएक्टिवेटेड और किल नहीं होते हैं। सम आर नॉट अफेक्टेड, इसमें कुछ जो है वो इफेक्ट नहीं करते हैं, पूरी तरीके से नहीं होगा। सैनिटाइजिंग में आपको मैंने जैसे कहा कि रिड्यूस कर देता है ये, लोअरिंग द नंबर। सैनिटाइजिंग मेनली यूज होता है फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसिस के लिए, और डिसइंफेक्टिंग जो है वो यूज होता है नॉन फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसिस के लिए।
अब आता है बहुत सिंपल सा डिफरेंस, जो आप जब आपने वेटनरी BBS NDAH में एडमिशन लिया तभी आपने ये सीख लिया था, एनाटोमी में भी और फिजियोलॉजी में भी, क्या डिफरेंस होता है रूमिनेंट में, स्यूडो रूमिनेंट में एंड नॉन रूमिनेंट में। तो बहुत छोटा सा है लेकिन हम इसे आज रिवाइज करेंगे क्या डिफरेंस है। रूमिनेंट आप सभी जानते हैं, चार जो फोर पार्ट्स हैं इसके, क्या है नंबर ऑफ स्टोमक अगर देखा जाए तो फोर है, रूमन रेटिकुलम ओमेजम एबोमेजम, चारों आप जानते हैं रूमन रेटिकुलम ओमेजम एंड एबोमेजम। लेकिन स्यूडो रूमिनेंट की बात करें तो यहाँ थ्री कंपार्टमेंट हैं, C1 C2 एंड C3, और नॉन रूमिनेंट की बात करें जो कि मोनोगैस्ट्रिक है उसमें एक स्टोमक एक मिलेगा, मोनो से पता चल रहा है हमें एक। तो नंबर ऑफ स्टोमक रूमिनेंट के अंदर देखा जाए तो चार जो भाग हैं उसके वो हैं रूमन रेटिकुलम ओमेजम एबोमेजम, तो चार कहे जाते हैं जो स्टोमक है वो फोर, रूमिनेंट्स के अंदर मोनोगेस्टिक या नॉन रूमिनेंट के अंदर वन, स्यूडो रूमिनेंट के अंदर हम एज सच स्टोमक नंबर नहीं बताएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम कंपार्टमेंट्स बोलते हैं, इसमें C1 C2 और C3 तीन कंपार्टमेंट मिलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है रूमिनेंट से, इसलिए इसको हम स्यूडो रूमिनेंट्स कहते हैं। और बट जो सेम है वो सिमिलरिटी ये है कि ये तीन कंपार्टमेंट होते हैं यहाँ पर, और रूमिनेंट्स के अंदर देखा जाए तो चार कंपार्टमेंट होते हैं। और अगर मोनोगस्टिक की नॉन रूमिनेंट की बात करें तो वहाँ सिंगल स्टोमक कहा जाता है, एक ही चीज़ एक ही होता है। रूमिनेशन रूमिनेंट्स के अंदर होता है, स्यूडो रूमिनेंट्स में भी मौजूद होता है, कैमल इसका एग्जाम्पल है। नॉन रूमिनेंट्स मोनोगेस्टिक के अंदर रूमिनेशन नहीं होता, आप जानते हैं ये। एग्जाम्पल क्या है रूमिनेंट्स के, कैटल बफेलो शीप गोट डियर जिराफ एक्सेट्रा, स्यूडो रूमिनेंट में कैमल है लामा है विक्यूना एक्सेट्रा, और नॉन रूमिनेंट्स में मोनोगेस्ट्रिक में हॉर्स जेब्रा एलिफेंट डॉग पिक ह्यूमन भी आता है। तो इसकी बात करेंगे हम कि मोनोगेस्टिक जो है वो कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, तो हॉर्स को आपको अच्छे से याद रखना है, हॉर्स एंड डॉग जो आपके लिए पिक पूछा जा सकता है, ये जो है वो मोनोगेस्ट्रिक में आते हैं। डायग्राम से हम समझते हैं क्या एनाटॉमिकल डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग रूमन रेटिकुलम ओमेजम और एबोमेजम, ये हमें चार दिख रहे हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स। अगर हम मोनोगेस्ट्रिक की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टोमक है सिंगल, कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ आप देख सकते हैं एक एक दो तीन और चार क्लियरली विजिबल है, चार कंपार्टमेंट्स हैं। अगर हम देखें यहाँ पर रूमिनेंट्स में और स्यूडो रूमिनेंट्स में किस तरीके से डिफरेंस दिखाया गया है, तो देख सकते हैं आप रूमन रेटिकुलम ओमेजम एंड ओबोमेजम, और यहाँ पे आप कंपार्टमेंट देखें C1 C1 C2 एंड C3। अब आपको ये ध्यान रखना है कैमल के अंदर जो C1 है वो वर्क करता है रूमन की तरह, C2 जो है वो करता है रेटिकुलम की तरह, C3 जो है वो ओमेजम और एबोमेजम की तरह, आप इसका स्लाइटली वर्क मान सकते हैं। तो आप यहाँ डिफरेंस अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कैमल के अंदर कंपार्टमेंट्स में ये है, तो फर्स्ट जो है वो रूमन की तरह एक्ट करता है, सेकंड जो है कैमल के अंदर या स्यूडो रूमिनेंट के अंदर रेटिकुलम, और थर्ड जो है मे बी ओमेजम और एबोमेजम। रोल ऑफ रूमन, द रूमिनेंट स्टमक ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 75% ऑफ द एबडोमिनल कैविटी, फिलिंग नियरली ऑल ऑफ द लेफ्ट साइड एंड एक्सटेंडिंग सिग्निफिकेंटली इनटू द राइट साइड। द रिलेटिव साइज ऑफ द फोर कंपार्टमेंट इज एज फॉलोज, द रूमन एंड रेटिकुलम कंप्राइजेज 84% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टोटल स्टमक एंड द ओमेजम 12% एंड द एबोमेजम 4%। आपको परसेंटेज ध्यान रखना है, स्लाइटली सबसे बड़ा कौन सा है, द रूमन इज द लार्जेस्ट स्टोमक कंपार्टमेंट होल्डिंग अप टू 40 गैलन्स इन अ मैच्योर काउ। द रूमन इज समटाइम्स कॉल्ड पाउच, आप ध्यान रखें इसका नाम क्या है, इट इज लाइंड विद पेपिली फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड डिवाइडेड बाय मस्कुलर पिलर्स इनटू द डोर्सल वेंट्रल कॉडोडोर्सल एंड कॉडो वेंट्रल सैक्स। सबसे बड़ा कौन है, रूमन है, लार्जेस्ट स्टोमक कंपार्टमेंट है। रेटिकुलम ओमेजम एबोमेजम, रेटिकुलम हनीकॉम भी कहलाता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम लाइक होती है। द मेन फंक्शन ऑफ रेटिकुलम इज टू कलेक्ट स्मॉलर डाइजेस्टर पार्टिकल एंड मूव देम टू द ओमेजम, मूव करना होता है ओमेजम तक। द रेटिकुलम ऑल्सो कलेक्ट हैवी या डेंस ऑब्जेक्ट एट द एनिमल कंज्यूम्स। ओमेजम क्या करता है, द ओमेजम इज अ स्फेरिकल एंड कनेक्टेड टू द रेटिकुलम बाय अ शॉर्ट टनल, इट इज कॉल्ड द मैनी पाइल्स और द बचर्स बाइबल इन रेफरेंस टू द मैनी फोल्ड और लीव्स दैट रिजेंबल पेजेस ऑफ बुक, जो बुक के पेजेस होते हैं उससे रिजेंबल करता है, इसको हम ओमेजम को मैनी पाइल्स कहते हैं और बचर्स बाइबल भी कहते हैं। द मस्कुलर थर्ड
स्टमक ऑफ ओरुमिनिन बिटवीन द रेटिकुलम एंड ओमेजम. जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था रेटिकुलम और एबोमेजम के बीच में ओमेजम है. ये आप देख सकते हैं दोनों के बीच में रेटिकुलम एंड एबोमेजम के बीच में ओमेजम है. द मेन फंक्शन ऑफ ओमेजम इज टू रिप्रेजेंट एन अरेंजमेंट फॉर कंटिन्यूंस ऑफ द फर्मेंटेशन इन ऑल स्पीशीज. एबोमेजम क्या है? एबोमेजम इज द ट्रू स्टमक. आपको ध्यान रखना है नाम, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल्ड भी किए हैं इनके नाम. रूमन का नाम क्या है? पाउंच. देन इसके बाद रेटिकुलम हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है. ओमेजम को मेनीपाइल्स कह सकते हैं, बुचर्स बाइबल कह सकते हैं. एबोमेजम ट्रू स्टमक ऑफ अ रूमिनेंट, मोस्ट सिमिलर टू स्टमक इन अ नॉन रूमिनेंट. जो नॉन रूमिनेंट होता है उसके स्टमक के सिमिलर एबोमेजम होता है, ट्रू स्टमक होता है. इट प्रोड्यूसेस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. pH इसीलिए एबोमेजम की 3.5 to 4 रहती है. तो ये रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम के स्ट्रक्चर रूमिनेंट्स के अंदर. कंपार्टमेंट्स देखे जाएं तो कैमल में, सूडो रूमिनेंट्स में किस तरीके से होते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरीके से रूमिनेंट्स और मोनोगैस्ट्रिक यानी कि नॉन रूमिनेंट्स की स्ट्रक्चर होती है स्टमक की. अब हम बात करते हैं पेरेंटल रूट्स. क्या क्या होते हैं पेरेंटल रूट्स? होते क्या हैं? डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ड्रग्स इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. तो इसको ध्यान रखें कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग को डिलीवर करना होगा तो कैसे करते हैं, क्या तरीके हैं उसके. तो देखें, इंट्राडर्मल जिसको आईडी कहते हैं इनटू स्किन, सब क्यूटेनियस इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, इंट्रामस्कुलर इनटू स्केलेटन मसल, इंट्रावीनस इनटू वेन्स, इंट्रा आर्टीरियल इनटू आर्टिकल आर्टरीज, देन इंट्राथीकल. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इंट्रा आर्टीरियल आपको मैंने कहा आर्टरीज इनटू आर्टरीज, इंट्राथीकल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स, इंट्रा पेरिटोनियल पेरिटोनियल कैविटी, इंट्रा आर्टिकुलर साइनोवियल फ्लूइड्स. तो ये किस क्या क्या तरीके हैं इसके? इंट्राडर्मल जो है वो स्किन के अंदर आप सभी जानते हैं, सबक्यूटेनियस इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, इंट्रामस्कुलर स्केलेटल मसल में, इंट्रावीनस इंटू वेन्स, इंट्रा आर्टीरियल इंटू आर्टरीज, इंट्राथीकल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, इंट्रा पेरिटोनियल जो फ्लूड है वो इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी में, और इंट्रा आर्टिकुलर जो है वो साइनोवियल फ्लूड्स का. तो ये इस तरीके से जो पेरेंटल रूट्स हैं वो बताए गए हैं कितने सारे होते हैं. हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस होता है, उसके बारे में भी हम डिफरेंस भी देखेंगे. लेकिन इंट्राडर्मल क्या होता है? इंट्रा आर्टीरियल, इंट्राथीकल, इंट्रा पेरिटोनियल और इंट्रा आर्टिकुलर भी हमें याद रखने होंगे. डिफरेंस क्या है सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस में? साइट क्या है? मैंने जैसे कहा अंडरनीथ ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस के अंदर डॉग एंड कैट में बिहाइंड द नेक एंड शोल्डर, कैटल के अंदर फोल्ड ऑफ स्किन और नेक और शोल्डर, वेयर द स्किन इज लूजेस्ट, जहाँ स्किन लूज होती है. देन पिक के अंदर इनसाइड ऑफ थाई, बीनीथ द फोल्ड ऑफ स्किन और बीनीथ द स्किन बिहाइंड द शोल्डर. इंट्रामस्कुलर में क्या है? मसल्स में डायरेक्टली जाएगा, थाई मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ द रियर लिम, जो बैक होता है उसका, वहाँ डॉग एंड कैट में. कैटल के अंदर मसल ऑफ नेक एंड डू नॉट गिव रियर लेग्स और ओवर द रम. अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. इंट्रावीनस में वेन के अंदर सिफेलिक वेन एंड लेटरल सिफिनस वेन, जैसे पहले डिस्कस किया था डॉग एंड कैट में, जुगलर वेन कैटल में, एंटीरियर वीना कावा ईयर वेन और जुगलर वेन्स पिक के अंदर. डिपोर्ट प्रिपरेशन सबक्यूटेनियस के अंदर कैन बी मेड, इंट्रामस्कुलर में कैन बी मेड, बट इंट्रावीनस में नहीं होती है. एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग सबक्यूटेनियस के अंदर स्लोएस्ट होती है, इंट्रामस्कुलर के अंदर दोनों के बीच की होती है, सबक्यूटेनियस और इंट्रावीनस के, और इंट्रावीनस में जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है. ड्रग वॉल्यूम देन कैन बी डेट कैन बी एडमिनिस्टर्ड, स्मॉल वॉल्यूम आप कर सकते हैं सबक्यूटेनियस के अंदर, इंट्रामस्कुलर में भी स्मॉल, बट लार्ज वॉल्यूम जो है वो इंट्रावीनसली किया जा सकता है. इरिटेंट ड्रग जो है वो सबक्यूटेनियस नहीं दी जा सकती, जो इंट्रामस्कुलर है माइल्ड इरिटेंट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर और इंट्रावीनस में दिया जा सकता है. अब यहाँ आप डिफरेंस देखेंगे, मैंने कैटल का एग्जाम्पल लिया है, तो कैटल में क्या हो रहा है? अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैटल में क्या होता है, स्पेशली बीफ कैटल के अंदर, द प्रेफर्ड साइट टू गिव आईएम इंजेक्शन इज इनटू द नेक मसल टू अवॉइड डैमेज टू हायर प्राइस कट्स ऑफ मीट और द रिस्क ऑफ डैमेजिंग द स्वेटिक नर्व. और ये इंपॉर्टेंट बात है, स्वेटिक नर्व के जो डैमेज के रिस्क को जो है के कारण हमें कहाँ पे देना चाहिए इंट्रामस्कुलर, वो नेक की साइड दिखाई है वहाँ पर हमें इंट्रामस्कुलर देना चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन है, फैटी टिश्यू है, फिर मसल है, और निडल जो है 90 डिग्री टू स्किन सरफेस यहाँ रखनी होती है, किसमें? इंट्रामस्कुलर के अंदर. तो नेक मसल आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेक मसल्स के अंदर बताया है कि जो प्रॉपर साइट है वो स्पेशली बीफ कैटल के अंदर बात करें तो नेक मसल्स में हमें देना चाहिए.
to avoid the damage to higher price cut of meat or the risk of damaging the sciatic nerve, particularly in thinner cattle. Subcutaneous injection की बात करें तो sides आप देख सकते हैं, यहाँ है सब नेक पे आप देख सकते हैं, और ये ध्यान रखें लगभग निडल का जो एंकल है वो 45 डिग्री। जुगलर वेन आप सभी को मालूम है, जुगलर ग्रूव दिखाया गया है आईवी इंजेक्शन के लिए कैटल के अंदर, तो ये साइड्स हमें याद रखनी है, आईएम इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रावेनियस। व्हाई कैल्शियम मैग्नीशियम थेरेपी इज गिवन स्लोली बाय इंट्रावीनस आईवी रूट, क्यों हमें ऐसा देना चाहिए आईवी रूट में? हम हमेशा कहते हैं कैल्शियम जब लगाते हैं हम, तो कैल्शियम को क्यों स्लो देना चाहिए हमें? ये मैंने आपको मिल्क फीवर जब मेटाबॉलिक डिजीज पढ़ा रही थी, जब भी वहाँ पढ़ाया था आपको कि हमें स्लो क्यों देना चाहिए, उसका कारण है, पहला इंपॉर्टेंट कारण है कि इससे ब्लड जो प्रेशर है अगर हम रैपिड दे देते हैं कैल्शियम इंजेक्शंस को तो क्या होता है, तो वैसो डायलेशन हो जाता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर जो है वो बीपी जो है वो लो हो जाएगा। इसके साथ ही कार्डियक एरिदमास, कार्डियक एरिदमास मतलब जो हार्ट बीट्स हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं, उसी का एग्जांपल है ब्रेडीकार्डिया, जब स्लो हो जाती है, स्लोअर देन नॉर्मल हार्ट रेट से कम होना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है, टेकिकार्डिया जानते हैं इसमें ज़्यादा होना होता है, तो इसमें ब्रेडीकार्डिया आ जाता है, कार्डियक एरिदमास जो है वो इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट है। देन उसके बाद सिनकोप, सिनकोप को फेंटिंग भी कहते हैं, जब सडन ड्रॉप हो जाता है बीपी का, हार्ट रेट का, और टेम्प्रेरी ड्रॉप इन द ब्लड, जो डेट फ्लो इन द ब्रेन, जो ब्रेन में ब्लड जाता है उसका टेम्प्रेरी ड्रॉप हो जाता है, तब सिनकोप होता है। एंड देन कार्डियक अरेस्ट, सडन लॉस ऑफ ब्लड फ्लो रिजल्ट इन फ्रॉम द फेलियर ऑफ, किसके रिजल्ट में होता है, रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ हार्ट, क्योंकि वो पंप नहीं कर पाता है हार्ट, तो कार्डियक जो अरेस्ट है वो आ जाता है। तो ये चार पांच रीजंस हैं जिसके कारण हमें रैपिड आईवी इंजेक्शन ऑफ कैल्शियम नहीं देना चाहिए, वैसोडायलेशन, कार्डियक एरिदमास, ब्रेडीकार्डिया, सिनकोप एंड कार्डियक अरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसडूडेट एंड एक्सूडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें जानना जरूरी है क्या डिफरेंस होता है ट्रांसडूडेट और एक्सूडेट के अंदर। हमने नाम सुना है पैथोलॉजी में, हमने पढ़ा भी है सेकेंड ईयर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अभी जो क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं सबसे पहले इसकी सिमिलरिटीज आपको बताऊंगी, उसके बाद हम बात करेंगे इसके डिफरेंस के बारे में। ट्रांसडूडेट एंड एक्सूडेट प्लूरल इफ्यूजन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो है प्लूरल इफ्यूजन है, आर टू टाइप ऑफ पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन्स, ये दोनों ही प्लूरल इफ्यूजन्स हैं और पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन होती हैं ये प्लूरल इफ्यूजन की, बोथ रिजल्ट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द प्लूरल कैविटी, जो प्लूरल कैविटी हमारी होती है उसके अंदर जो है ये भर जाता है फ्लूड जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है इसके अंदर। हमें ये ध्यान रखना होगा जो प्लूरल कैविटी है, जो उसकी लंग्स की जो लंग्स में जो आपको प्लूरल कैविटी मिलेगी उसके अंदर फ्लूड डिपॉजिट हो जाएगा, एंड ऑल्सो बोथ अराइज ड्यू टू वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन कैन बी इम्पेयर ब्रीथिंग, और ये इम्पेयर ब्रीथिंग को भी लीड करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही जो हैं वो प्लूरल इफ्यूजन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है ये दोनों प्लूरल इफ्यूजन है, विसरल और प्लूरल जो कैविटी है, जो प्लूरल कैविटी है उसके जो सर्फेसेज हैं उनके बीच में जो कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूड जो है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, फ्लूड का अकोमुलेशन हो जाता है, और ये दोनों ही जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण होती हैं, और इससे ब्रीथिंग जो है, सांस लेना जो है ब्रीथिंग वो इम्पेयर हो जाती है। अब हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस अपेयरेंस एंड कलर अगर देखा जाए तो ट्रांसडूडेट जो है क्लियर एंड स्ट्रॉ कलर्ड है, एक्सूडेट की बात करें तो एक्सूडेट टर्बिड होगा, येलो टू रेड कलर होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस होगी ट्रांसडूडेट की, एक्सूडेट की ज़्यादा होगी, 1.015 से कम होती है। प्रोटीन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन कंटेंट पे हम डिफरेंस करते हैं, इसमें लेस देन 3 ग्राम पर 100 ml, और इसके अंदर एक्सूडेट में एवरेज 3 ग्राम पर 100 ml होता है, और इससे ज़्यादा होता है, अबव 3 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा रहेगा, तो प्रोटीन कंटेंट कम होंगे ट्रांसडूडेट में, एक्सूडेट में ज़्यादा होंगे। फिब्रिन लो होगा, डज नॉट कोगुलेट, इसमें हाई होगा फिब्रिन। LDH बहुत इंपॉर्टेंट है, LDH एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही ट्रांसडूडेट के अंदर कम होंगे लेकिन एक्सूडेट के अंदर ज़्यादा होंगे। सेल्स स्केंटी होंगी ट्रांसडूडेट में, एक्सूडेट में बहुत ज़्यादा होंगी। सिग्निफिकेंस क्या है, रेयरली कंटेन्स मैलिग्नेंट सेल, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक्सूडेट का मतलब क्या है, ऑफन कंटेन मैलिग्नेंट सेल्स, और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जहाँ है, इन्फ्लेमेटरी एडिमा है वहाँ तो एक्सूडेट है, मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, और नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस और एडिमा, नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा है वहाँ है ट्रांसडूडेट। तो ट्रांसडूडेट और इसमें दोनों में यही डिफरेंस है कि जो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है वो है एक्सूडेट,
और जो ट्रांजिटेट है वो किससे रिलेटेड है, वो है नॉन इन्फ्लेमेटरी। क्या कारण है इसका, पैथोजेनेसिस क्या है ट्रांजिटेट की, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद नॉर्मल वेस्कुलर परमेबिलिटी। इसमें जो परमेबिलिटी रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बल्कि एक्सडेट में क्या होगा, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, जो कि क्या होती है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में, और या इन्फ्लेमेटरी एडिमा जिसको कहा जा सकता है। डिफरेंस की बात करें तो एक और तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं ट्रांजिटेड प्लूरल इफ्यूजन में, द टाइप ऑफ प्लूरल इफ्यूजन इज विच फ्लूड इज पुश्ड थ्रू द कैपिलरी ड्यू टू हाई प्रेशर विद इन द कैपिलरी। एक्सडेट की बात करें तो क्यों होता है, विच फ्लूड लीक्स अराउंड द सेल ऑफ द कैपिलरी कॉज बाय इन्फ्लेमेशन। तो मेन कारण इसका क्या है, एक्सडेट का इन्फ्लेमेशन है, और दूसरे जो ट्रांजिटेड है उसका क्या है, उसका हाई प्रेशर विद इन द कैपिलरी। देन अकर ड्यू टू द इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड डिक्रीज कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर। एक्सडेट में अकर ड्यू टू द इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी बाय एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ट्रांजिटेट रिजल्ट्स इन फिल्ट्रेट ऑफ क्लियर और पेल येलो कलर फ्लूड विद इन अ लो प्रोटीन एंड सेल प्रोटीन। जैसे मैंने कहा प्रोटीन कम होता है इसके अंदर, सेल काउंट कम होता है, जबकि एक्सडेट के अंदर रिजल्ट्स इन क्लाउडी ब्लडी फ्लूड विद हाई प्रोटीन सेल कंटेंट, फ्रोदिंग वेन शॉक एंड फॉर्म्स क्लॉट वेन लेफ्ट स्टैंडिंग। कॉमन कॉजेस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज, प्रोटीन लॉसिंग एंड प्रोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड हेपेटिक सिरोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटेट यहाँ पर होगा, कहाँ कहाँ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट डिजीजेस, प्रोटीन लॉसिंग एंड प्रोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड हेपेटिक सिरोसिस। एक्सडेट कहाँ पे होगा, कॉमन कॉजेज जैसे मैंने कहा इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे है जो कम होगी एक्सडेट के अंदर, आप देख सकते हैं ज़्यादा होगी। टोटल प्रोटीन मैंने कहा, सीरम प्रोटीन मैंने कहा, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कम है ट्रांजिटेट में, लेकिन एक्सडेट में ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। एलडीएच जो है इसमें कम होगा ट्रांजिटेट में, लेकिन एक्सडेट के अंदर एलडीएच भी ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात होती है रेडियो डेंसिटी ऑन सीटी स्कैन। तो रेडियो डेंसिटी सीटी, अभी कोरोना में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि सीटी स्कैन का नाम हमने कई बार लिया। क्या होता है सीटी स्कैन, मैं यही बताना चाहूँगी आपसे, जो इंटरव्यूअर हैं वो पूछ सकते हैं क्या होता है सीटी स्कैन, कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्नोसिस के लिए। तो ये होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और ये जो मैंने जैसे कहा आपको, अगर ट्रांजिटेड है तो सीटी स्कैन 2 to 15 एचयू होगा। एचयू क्या है, एचयू जो है वो मेनली जिसको कहते हैं हम, ये एक यूनिट होता है जिसको हम सीटी नंबर भी कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो इसमें कम होगा सीटी स्कैन जो कराते हैं अगर, तो इसका रेडियो डेंसिटी ऑन सीटी स्कैन जो है यहाँ कम होगा ट्रांजिटेड का, और एक्सडेट का ज़्यादा होगा। और इसको कहते हैं हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी को बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो लास्ट में आई थिंक आज जो भी टॉपिक कवर हुए हैं वो सभी कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू के लिए और किसी एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ आज के टॉपिक्स, हमने जो जो पॉइंट्स लिए हैं वो क्या क्या थे। सबसे पहले हमने टेम्परेचर वाइटल पैरामीटर्स लिए, कैटल पोल्ट्री का आपको अच्छे से याद करना है, जहाँ हाई ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा डिफरेंस है वो आपको याद रखना है, रेंज आपको याद रखनी है रेस्पिरेशन की, पल्स की। और ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेटर जो बल्क है अगर बॉडी का तो लोअर होगा पल्स और रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। और फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फीमेल प्रेगनेंसी यंग एनिमल जो है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, देन मेल नॉन प्रेगनेंट एंड ओल्ड एनिमल से पल्सेस जो है वो स्मॉल एनिमल में ज़्यादा होंगी। साइट ऑफ रिकॉर्डिंग पल्स क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन, साइट ऑफ CSF कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग में, जिसको हमने सिस्टर्नल पंचर और सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टम साइट कहा था। लबदब क्या होता है, S1 साउंड, S2 साउंड, एक होता है AV जो वॉल्स हैं उसके क्लोजर पे जिसको हम लब कहते हैं, दूसरा होता है क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्स के। सिग्मोइड फ्लेक्सर क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है प्री स्कॉटल सिग्मोइड फ्लेक्सर बोर एंड कैमल बुल में, पोस्ट बुल रैम एंड बक में। विस्ट्रल स्प्लेक्निक बोल्स, ऑस्पेनिस कहाँ होता है, ऑस्कॉटिस हार्ट ऑफ रूमिनेंस गोविडी में और ओवीडी के अंदर ज़्यादा मिलेगा आपको। देन टिंचर आयोडीन में मेन होता है अल्कोहल, आपको ध्यान रखना है डिफरेंस है आयोडीन, टिंचर आयोडीन के अंदर अल्कोहल मौजूद होता है लगभग 89%, लेकिन ल्यूगोल्स आयोडीन के अंदर नहीं होता है, 5% आयोडीन क्रिस्टल, पोटेशियम आयोडाइड 10%, डिस्टिल्ड वाटर 100 ml। डिफरेंस स्टेलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन में। रूमिनेंट्स, सूडो रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स में तीन कंपार्टमेंट जैसे मैंने कहा आपको, कैमल की बात करें C1, C2, C3, और यहाँ रूमिनेंट्स की बात करें तो
चार, क्लियर कट ल्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेजम। सबसे बड़ा ल्यूमन होता है, पेरेंटल जो रूट्स हैं वो मैंने कहा आई डी एस सी, आई एम, आई वी, आई ए, इंटरथ्रिकल, आई टी, लेकिन ये सब सबसे इंपॉर्टेंट जो काम में आता है आपके वो है सब क्यूटीनियस, आई एम एंड आई वी, जिसको डिफरेंस यहाँ बताया गया है डायग्राम में आप देख सकते हैं, जुगलर में आई वी देख सकते हैं यहाँ पर। कैल्शियम और मैग्नीशियम थेरेपी जो है वो स्लो क्यों आपको लेना है इंट्रावीनियसली, तो कई कारण है इसके, अगर फास्ट देते हैं तो वेसोडायलेशन, कार्डियक अरिदमास, ब्रैडीकार्डिया, सिंकोप एंड कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। डिफरेंस क्या है ट्रांसडूसर एक्सुडेट में, पहले तो ये क्या है, ये प्लूरल इफ्यूजन्स है, प्लूरल कैविटी में एक्युमुलेशन हो जाता है फ्लूड का और ब्रीदिंग को इम्पेयर करता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट है, ट्रांसडूसर क्लियर और स्ट्रॉ कलर्ड होता है, एक्सुडेट टर्बिड होता है और इन्फ्लेमेशन के कारण एक्सुडेट होता है, ट्रांसडूसर का कारण इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है विद नॉर्मल वेस्कुलर परमेबिलिटी। कौन कौन से डिजीजेज में होते हैं ट्रांसडूसर जो है वो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हिपेटिक सिरोसिस के अंदर, और एक्सुडेट जो है मैलिग्नेंसी, ऑटोइम्यून डिजीजेस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यस, लास्ट में ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड इन्जॉय द जर्नी। तो ये जो लाइफ है और जो ये प्रोसेस है आपके जो वीओ एग्जामिनेशन का, आरपीएससी वीओ जो एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले आपका जो स्क्रीनिंग का रिटर्न एग्जाम हुआ है, रिटर्न एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू जो हो रहा है, तो फॉर्म भरने से लेके और फाइनल सिलेक्शन तक जब आपके पास ऑर्डर नहीं आ जाता जब तक, तो तब तक जो है वो एक जर्नी है, लाइफ भी एक जर्नी है और जो पूरा प्रोसेस है आपका एग्ज़ाम का वो भी एक जर्नी है। तो जो आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस है स्टार्टिंग फॉर्म भरने से लेकर और लास्ट का जो ऑर्डर आपको मिलेगा, जो आपकी पोस्टिंग होगी जब आपकी, उस ऑर्डर को पाने तक की जो जर्नी है उसमें आपने ड्रीम तो देख लिया है। पॉजिटिव रहिए, वर्क हार्ड कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए अपने हार्ड वर्क के प्रति, तो आप जो सक्सेस है उसको भी इंजॉय करेंगे। तो आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ, ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड इन्जॉय द जर्नी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, डेट इज़ बरखाज वेट इज़ फेयर। तो इसको भी आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जिससे हमें आगे भी क्लासेस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।